मीडिया इंडस्ट्री एंड पैसा, यू नो दिस इज अ वेरी वियर्ड रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे लोग आना चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए और एवरीवन सेज कि यहाँ पे पैसा है ही नहीं. बट यू नो व्हेन यू टॉक अबाउट अ करियर ऑप्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो कि कितना स्कोप है, लाइक हाउ मच विल यू मेक अप्रोक्सीमेटली. जैसे कि आप सब लोग ये क्वेश्चन पूछते हो, सो येस टूडे सो आई डिसाइडेड कि बॉस मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि आफ्टर पैंडेमिक विच आर द मीडिया प्रोफाइल, लाइक मीडिया इंडस्ट्री में कौन सी प्रोफाइल में आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलने के चांसेस है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो कि कौन सी ये प्रोफाइल है और आप कहाँ पे फिट होते हैं. सो एज वी गोना टॉक अबाउट द हाईएस्ट पेइंग मीडिया जॉब्स, अब हाईएस्ट लोअर तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट एवरी वन वॉन्ट्स टू नो अबाउट द हाईएस्ट. सो आई एम गोना टेल यू विच आर द जॉब प्रोफाइल विच हैज इंक्रीज एंड एज आई सेड After pandemic. So first I'll let you know कि जो industry ये time पे बहुत ज्यादा suffer कर रही है, which is you always know is event, film industry. In media how you segregate, जैसे हम segregate करते हैं we talk about films, जिसमें आ जाता है to an extent production, acting, everything. Okay, and then we talk about news media, and then we talk about the technical part of the media. And then you talk about advertising and marketing. Okay. अब ये चार sectors हैं जिसका हर way में growth हुआ है. Now why I'm saying growth when people are saying there's no job? Let me correct you. Films की जगह OTT platforms आ गए. मैंने आपको already बोला Amazon, Netflix, MX Player. आपने खुद ने कितनी सारी binge watching करी है web series and all की. So ये obviously increase हुआ है, right? If it has increased, बाई डिफॉल्ट एक्टर्स लगेंगे, प्रोडक्शन लगेगा, कॉन्टेंट लगेगा, एवरी थिंग इज इंक्रीजिंग हियर, राइट? सो ये सारी चीजों की डिमांड ऊपर हो गई. सो यू कैन इमेजिन यू कैन एक्चुअली मेक योर करियर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो नथिंग इज डेड, लेट मी गेट यू राइट देयर. इन द न्यूज इंडस्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंट मीडिया इज एज गुड एज डेड, आई एग्री टू दैट. ब्रॉडकास्ट मीडिया आप लोग या मैं खुद कोई भी देखना नहीं चाहता, बिकॉज एवरी वन इज शाउटिंग एंड येलिंग. सो वेर आर यू कंज्यूमिंग योर न्यूज? That is online platform. So yes, if you see online portals, जो कि बहुत ज़्यादा increase हो गए हैं, and online portals पे, I'm talking about all the broadcast and the print media also diverted their content on online. जिससे क्या हो गया, पहले जिस reporter को एक news देनी थी, अब वो reporter को चार news देनी पड़ती है, because online platform कहते हैं कि हर घंटे आपको content update करना पड़ता है. आप आज तक का Instagram देख लो, obviously everyone is coming on the online platform. So online news is increasing like anything, which is increasing the demand for the reporters, the editors, the writers, the copy editors and the news writers. So किसने बोला मीडिया में जॉब नहीं है एंड पेमेंट नहीं है? ऑब्वियसली अगर आप ये काम करोगे तो पेमेंट तो मिलेगी. Those who don't have much idea about media might be thinking ये technical क्या है. भाई technical का मतलब है ये सारी चीजें जो है ना, आपका editor, graphic designer, ये सारा चीजें टेक्निकल में आता है. इमेजिन अगर आपको ऑनलाइन कंटेंट बनाना हो और आपको डिजाइनिंग नहीं आती है, देन व्हाट यू विल डू? एवरी बिग कंपनी इज हायरिंग अ ग्राफिक डिजाइनर एंड एन एडिटर. सो यू टॉक अबाउट वीडियो एडिटर, वीएफएक्स एडिटर, ग्राफिक एडिटर, मोशन ग्राफिक, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है, सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड इन इट. Okay, coming to the advertising and marketing. So here comes the role of social media marketing and your digital media marketing. Yes, it's a big part of the advertising world and marketing. Uska key role hai ki as a media person, you understand your target audience, then you create a communication. Yahan pe aapke PR managers bhi aa jate hain, which is also known as communication managers. So these all are the thing which you can look for. And in comparison, If I say कि इसमें से ज्यादा कौन सी जॉब आपको पेमेंट देगी, सी ये वाला जो है ये बाय डिफॉल्ट डिमांड है. मतलब अगर आप एक्टिंग में अच्छे नहीं हो या आपको एक रोल मिला और दूसरा रोल नहीं मिलेगा, बट एडिटर तो सेम रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. दैट इज वॉट द एडिटिंग इज. सो एडिटिंग में हियर यू कैन बी अश्योर ऑफ दैट येस देयर इज अ गुड पेमेंट इन एडिटिंग. इसे क्यों हाईएस्ट पेइंग है? बिकॉज ये डिमांड जो है ये बाय डिफॉल्ट रहेगी. ऑब्वियसली यू कैन बी अ गुड एक्टर, यू कैन बी अ गुड परफॉर्मर, एवरीथिंग आपका जो आर्टिस्टिक स्किल्स है वहां पर आ जाएगा. एंड येस आफ्टर द टेक टीम, द साउंड, लाइट्स, एवरीथिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जहां पे आपका प्रोडक्शन भी आ जाता है, विच आई मिस्ड आउट ऑन कि आप यहाँ पर
प्रोडक्शन में भी काम कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग पार्ट, विदाउट दिस नथिंग विल हैपन इन मीडिया. दैट्स वाई सोशल मीडिया मार्केटर की बहुत ज्यादा डिमांड है एंड पीपल आर विलिंग टू गिव 35,000 से लेके डिजिटल मीडिया मार्केटर को 75,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी मिलती है. So more or less, I have explained you that why and how there's a growth in which all sector in media. These are the profiles which is high in demand right now and giving you a lot of money, which is graphic designer, video editor, data analyst. Now, data analyst, mein aap confused mat hona, because data analyst are the people who are really important for the growth business of any company. So they give you a proper analysis of how your story is performing, how your consumers are reacting to it. So all the data is being analyzed so that you can make a better content. So that's why this one is growing.